देखिए किसी को कोई शौक नहीं होता कि कोई इतनी गर्मी में ना कोई झंडे लेके और अपनी आवाज़ हुक्मरानों तक पहुंचाए। ये मजबूर हो चुके हैं, हम मजबूर हो चुके हैं। वो हारी पोरियत हो, वो औरतें हों, वो बच्चे हों, वो हमारे मजदूर तबकात हों, वो अब मजबूर हो चुके हैं क्योंकि ये हुक्मरान इन हारी पोरियत को कोई भी रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इनकी जो ज़मीनें हैं खुद हड़प कर या तो बाहर की जो कंपनियां हैं उनको दे रहे हैं। अभी भी पता चल रहा है कि कतर की कंपनियों को इन्होंने पता नहीं कितने हज़ार एकड़ जो है वो ज़मीन दे दी, दुबई की ज़मीनें दे दी हैं, और वो किसकी दे रहे हैं? वो सिंध की दे रहे हैं। अभी किसी क्रिकेटर ने क्रिकेट अच्छी खेल ली तो उसको भी ज़मीन दे दो, तो वो जो हारी पोरियत है वो खुदकशियों करने पर मजबूर हो गया है। हमारे मुतालबात ये हैं कि ज़रई दुश्मन पॉलिसी ख़त्म की जाए। हुकूमत 1988 से लेकर आज तक IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO के पॉलिसियों के तहत उनके मातहत चल रही है, जिसकी वजह से ज़रई मैशत तबाह हो गई है। आप देख लें कि 50 और 60 की तिहाई में जो मुल्क की पैदावार में ज़रई मैशत का हिस्सा था वो 50% से ज़्यादा था, अब जो पैदावार में हिस्सा है वो 20% भी कम से भी कम है। तो हम यह समझ रहे हैं जो किसान हैं, छोटे किसान हैं, बड़े छोटे आबादगार हैं, पोरियत हैं, उनका जो सारा मुनाफा है वो मल्टीनेशनल कंपनियां, खाद की कंपनियां, ज़रई अतवाद की कंपनियां और जो व्यापारी हैं गांव के शहरों के, वो सारे हड़प कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाएं कि यहां के सिंध के अंदर इस साल टमाटर जो है 5 से 6 लाख एकड़ पर हुआ था, 1 एकड़ पे लागत जो है 80 से 1,20,000 तक है, और 1 एकड़ पे उनको अभी मिला है 20 से 30,000 रुपये फकत, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। हम ये मुतालबा करते हैं कि जो आज़ाद मंडी का सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाए और अपनी मैशत को बचाया जाए।